हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सन, सनलाइट, सोलर एनर्जी, स्टेलर एनर्जी के बारे जो डीप कॉन्सेप्ट है कि आखिर 4×10^26 जूल पर सेकेंड इतना ज़्यादा हाई अमाउंट का एनर्जी लाखों करोड़ों साल से कंटिन्यूसली देते रहना विदाउट कूलिंग ऑफ, बिना ठंडा हुए, then what is the actual source behind this? आखिर ये कहाँ से आता है या इसके पीछे का reason क्या है, source क्या है? तो इसके पीछे का जो source है that is just all about the nuclear फ्यूजन। एंड अभी हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने स्टेलर एनर्जी में प्रोटोन प्रोटोन के साइकिल को डिस्कस किया था और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, अब ये क्या होता है इसे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल? तो देखिए, एक्चुअली जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होता है, सन का जो टोटल मास होता है उसमें 90% जो टोटल मास होता है दैट इज ऑलमोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय द हीलियम एंड द हाइड्रोजन and the rest 10% by the other elements। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब अ सक्सेशन ऑफ प्रोटोन्स अंटिल दे इमिट अल्फा पार्टिकल्स टू बिकम कार्बन न्यूक्लियाई वंस मोर टू रिपीट साइकिल इंडिफिनिटली। तो सबसे पहले कार्बन C6 12 प्लस, इस पर जब ये बम्बार्डमेंट होगा तो ये बनाएगा नाइट्रोजन 7 13 प्लस गामा, प्लस एनर्जी निकलेगा 1.95 MeV, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन C6 12 प्लस हाइड्रोजन 1H1 एंड नाइट्रोजन 7 13 प्लस गामा प्लस 1.95 MeV। देन ये नाइट्रोजन फिर से जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा C कार्बन 6 13 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस जो एनर्जी है 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम आपको रिएक्शंस के विषय में बता रहे हैं कि जैसे सन के पास जो इतना एनर्जी आता है
आखिर वो एनर्जी दो तरीके से होता है, स्टेलर एनर्जी उसी को हम लोग कहते हैं। तो एनर्जी प्रॉपर रूप से प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से आता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से भी एनर्जी आता है, तो उसी साइकिल के विषय में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, कार्बन 6 13 प्लस प्रोटॉन, तो नाइट्रोजन 7 14 प्लस गामा पार्टिकल प्लस 7.54 MeV। नाइट्रोजन 7 14 प्लस गामा प्लस 7.54 MeV। उसके बाद नाइट्रोजन 7 14 प्लस हाइड्रोजन 1H1, तो ये बनाएगा ऑक्सीजन 8 15 प्लस गामा पार्टिकल प्लस 7.35 MeV। अब इसके बाद ये ऑक्सीजन 8 15 प्लस 1H1, ये बनाएगा आपको नाइट्रोजन 7 15 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस प्लस न्यूट्रिनो प्लस 2.70 MeV। एंड अगेन दिस पार्टिकल नाइट्रोजन 7 15 प्लस, जब इसमें प्रोटॉन इंसिडेंट होगा तो ये आपको बनाएगा स्टेबल कार्बन न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल 6 6 12 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस 4.96 MeV। फोर पॉइंट नाइन सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है कैसे कैरी हो रहा है। अब इस पूरे रिएक्शन को यदि एक फ्रेम में लिखा जाए, इस पूरे रिएक्शन को यदि एक फ्रेम में लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, देन वन एच वन प्लस कार्बन C12, एंड ये रिएक्शन करेगा हीलियम 2 4 प्लस C6 12 प्लस 2 × पॉजिट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 3 गामा पार्टिकल प्लस 26.72 MeV। और इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वन एच वन ये बनाएगा हीलियम 2 4 प्लस 2 ×
E10 plus 27.26.72 MeV, that is mega electron volt. यहाँ पर जो कार्बन है इस प्रोसेस में वो एक्चुअली एक हैवी न्यूक्लियस के फॉर्म में जब यहाँ फॉर्मेशन होता है तो वो कार्बन एक कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है और उसका कंजप्शन नहीं होता है इसमें. इसमें हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इसके बाद हम लोग को देखना है एंड दैट आर जैसे न्यूक्लियर फीजन और फ्यूज़न में क्या अंतर है. देखिए इसके बाद यहाँ से एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग उस पर बढ़ेंगे. एक्चुअली एक टर्म है न्यूक्लियर होलोकास्ट. तो न्यूक्लियर होलोकास्ट डिस्ट्रक्शंस को बताता है. न्यूक्लियर रिएक्शन से जो डिस्ट्रक्शंस होता है उसी डिस्ट्रक्शंस को बताता है. और अभी हम लोग कुछ सवाल इससे रिलेटेड देखेंगे एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न और फीजन का जो टॉपिक है वो हम आपको एज अ होमवर्क देते हैं. लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये जो अभी हम लोग पढ़े इससे जुड़ा हुआ किस प्रकार से आता है देखिए. क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन. आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूज़न का. देखिए 1H2 प्लस 1H2 ये रिएक्ट करके बना रहा है हीलियम 2-3 प्लस न्यूट्रॉन. ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन को बता रहा है जब दो ड्यूट्रियम मिलके एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, एक हीलियम पार्टिकल का निर्माण कर रहे हैं और साथ में न्यूट्रॉन बाहर जा रहा है. यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन एच टू 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम 2-3
का 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अब इसमें हम लोग को इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ उसके विषय में जानना है। तो जैसे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसके विषय में यदि जानना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उसके एनर्जी को यदि माइनस किया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है Hg23 प्लस प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं दो है तो इसको टू इंटू H12 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो गिवन डाटा है हमारे पास उन डाटा में प्रॉपर यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी बराबर बाइंडिंग एनर्जी इतना, इसके जगह आप देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 7.73 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इसका कोई भी एनर्जी नहीं दिया हुआ है 0 माइनस 2 इंटू ये एनर्जी दिया हुआ है 2.23 MeV। इट इम्प्लाइज दैट इसको फर्दर ऑन जब सॉल्व किया जाएगा देन व्हाट वी विल हैव, तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद
दिस विल हैव 7.73 MeV माइनस 4.46 MeV. It implies that energy is equal to 3.27 MeV. मतलब इस न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में थ्री पॉइंट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी है वो रिलीज होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपके होमवर्क पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन में क्या अंतर है। तो देखिए इसका जो हिंट है, सबसे पहले तो इसके डेफिनेशंस आपको मिल जाएगा दैट हिंदी में यदि बात करते हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लिटिल। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फीजन, नाभिकीय विखंडन। और यदि दो लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियस एक साथ कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपको उसका एक न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने अभी बनाया उसी से रिलेटेड है। बट न्यूक्लियर फीजन और फ्यूज़न में न्यूक्लियर रिएक्टर के मदद से हम लोग न्यूक्लियर फीजन करवा सकते हैं बट फ्यूजन को लैब में कैरी करवाना बहुत रिस्की है। दोनों में हाई टेम्परेचर चाहिए बट जो फ्यूजन है उसमें थोड़ा सा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। सन से आने वाला स्टेलर एनर्जी इसी फ्यूजन का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे दैट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फीजन। इस साइड न्यूक्लियर फीजन टूटने वाला एक संकेत बना देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आगे की क्लास में हम लोग इस पर प्रॉपर डिस्कशन
करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।